तो जी ठीक है, साथ में आया मैं की टीम का पहला मैच होने वाला और मुंबई इंडियंस की टीम किस तरीके की हमें प्लेइंग एलेवन लेकर उतरती हुई दिखने वाली है जी टी के खिलाफ। तो एम आई की टीम के 11 खिलाड़ियों के नाम आज के सूडो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं जो कि हम पहला मैच खेलते हुए दिखने वाले हैं, तो सूडो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो मुंबई इंडियंस की टीम जीते IPL 2024 का सीजन, तो हमारे सूडो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर IPL से हमारे वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम के ओपनर्स के बारे में। तो हमें एम आई की टीम की ओर से ओपनिंग करते हुए दोस्तों नजर आने वाले ईशान किशन और रोहित शर्मा जो कि हमें ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं एमआई की टीम की ओर से पहले मैच के अंदर। और दोस्तों मिडिल ऑर्डर की और नंबर तीन की बात की जाए, नंबर तीन पर तिलक वर्मा रहने वाले हैं और नंबर चार पर हमें निहाल वडेरा दिखने वाले मुंबई इंडियंस की टीम की प्लेइंग इलेवन के अंदर। और दोस्तों में अगर नंबर पांच की बात की जाए और फिनिशर्स की बात की जाए, दोस्तों मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और निहाल वडेरा नजर आने वाले हमें नंबर तीन और नंबर चार पर, और नंबर पांच पर हार्दिक पांड्या दिखने वाले जो कि इस टीम की हमें कप्तानी करते हुए दिखेंगे IPL 2024 के सीजन के अंदर। और अगर नंबर छः की बात की जाए, नंबर छः पर हमें टीम डेविड दिखने वाले हैं जो कि फिनिशर का रोल अदा करते हुए हमें मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से नजर आएंगे। और दोस्तों नंबर सात पर हम मोहम्मद नबी भी नजर आने वाले हैं और नंबर आठ पर दोस्तों पीयूष चावला नजर आएंगे जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। लेकिन मोहम्मद नबी, टीम डेविड, हार्दिक पांड्या जैसे खतरनाक फिनिशर है की टीम के पास में मौजूद है, तो शायद से पीयूष चावला की बैटिंग ना आए। लेकिन फिर भी हमें दोस्तों नंबर नौ के ऊपर, नंबर आठ के ऊपर पीयूष चावला नजर आने वाले और नंबर नौ पर आकाश मधवाला हमें नजर आएंगे और नंबर दस के ऊपर जसप्रीत बुमराह, नंबर 11 के ऊपर हमें ग्राल कोड से नजर आने वाले। और इंपैक्ट प्लेयर का भी नाम अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की टीम की प्लेइंग इलेवन आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों चलिए एम आई की टीम की प्लेइंग इलेवन के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट और फिर इंपैक्ट प्लेयर के बारे में बात कर लेंगे। तो ईशान किशन, रोहित शर्मा में ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, नंबर तीन पर तिलक वर्मा, नंबर चार पर निहाल वडेरा, नंबर पांच पर हार्दिक पांड्या, नंबर छह पर टीम डेविड, नंबर सात पर मोहम्मद नबी, नंबर आठ पर पीयूष चावला, नंबर नौ पर आकाश मधवाल, नंबर दस पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 11 पर गिराल कोटसे। और दोस्तों में अगर दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर की बात की जाए, तो ल्यूक वुड हमें एज ए इंपैक्ट प्लेयर आते हुए मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर नजर आ सकते हैं, मुंबई इंडियंस की टीम की प्लेइंग इलेवन के अंदर नजर आ सकते हैं ल्यूक वुड एज इंपैक्ट प्लेयर। वैसे आप लोगों को क्या लगता है मुंबई इंडियंस की टीम को कौन से खिलाड़ी को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अपनी टीम के अंदर शामिल करना चाहिए, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर कर दीजिए। लेकिन दोस्तों ज्यादा चांसेस यहाँ पर गेंदबाज के कि हमें कोई ना कोई गेंदबाज MI की टीम के अंदर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हुए दिखने वाला है, और चांसेस यहाँ पर ल्यूक वुड के निकल कर आ रहे कि ल्यूक वुड हमें दोस्तों जो है वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मुंबई इंडियंस की टीम की प्लेइंग इलेवन को ज्वाइन करते हुए दिखेंगे, कोई ना कोई बल्लेबाज हमें बैठते हुए दिखेंगे और ल्यूक वुड हमें उसे रिप्लेस करते हुए दिखेंगे MI की टीम की इलेवन के अंदर। वैसे आप लोगों की क्या राय है MI की टीम दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम GT की टीम को हरा पाएंगे या फिर नहीं पहले मैच के अंदर, तो आप अपनी राह में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ दोस्तों, आप रोहित शर्मा के बड़े वाले फैन हो या फिर हार्दिक पांड्या के, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर कर दीजिए। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आओ तो वीडियो का लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।